मेरा जन्म 2/3/1949 में, और हमारा गांव का नाम है भोरमबाग, जिला भी नवादा है, बिहार राज्य। तो हमारे जो एक कुम्हकारी पैसा है, हमारे दादाजी अंग्रेजों के टाइम में घड़े मटके हंडी बनाते थे, और अंग्रेज के टाइम में उनका जो हम भी कार्यालय बोलते हैं उसको कचहरी में देते थे, और उसके बदले अंग्रेज के टाइम में कचहरी से उनका फी के रूप में जो मिलता था तो वो अनाज मिलता था, वो पैसे नहीं मिलते थे। हमारे क्या बोलते बहुत सुशिक्षित परिवार नहीं, तो उनको हाँ स्कूल में पढ़ने दिए, गया था मैं पढ़ा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होते रहा और काम करने लग गया तो फिर ज़रा दूर पड़ता था, 1.5 किलोमीटर स्कूल था, चल के पैदल खेत से जाते थे वहाँ। फिर अब क्या बोले, जब कुछ पिताजी को साथ देने लगा काम वगैरह करने का, तो हमारा भी चेष्टा खेती में आ गया, और एजुकेशन का उतना ये ज़्यादा रहा, उन लोग भी इतना नहीं ध्यान किए। फिर मेरे ख्याल से 6ठी क्लास में जब मैं पास होकर गया, वो 2 महीना कुछ गए तो काम करते करते छुट्टा हो गया हमेशा वही, फिर कुछ 2 साल या कुछ ब्रेक हो गया पढ़ाई को। और कभी कभी ऐसे रात को सपने आते थे कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसा। फिर अपनहार अच्छा था कि फिर हम मुझे एडमिशन मिल गया, और बिहार से मैं फिर कर्नाटक गया जी। वो हमारी माँ के पास पैसे नहीं, नगद था, तो वो क्या चांदी के ये रहते, वो टाइप का हंसली बोलते, बड़ा रहता है, थोड़ा वजनदार रहता है, 300-400 ग्राम का मोटा। फिर उनको गिरवी रखा, कुछ 50 रुपये के लगभग वो लाया, फिर गिरवी रख के वो टिकट रेलवे की टिकट के लिए। पारिवारिक संघर्ष भी आया, आर्थिक आया, लेकिन एक चीज़ हमारे में था, आत्मविश्वास कम नहीं नहीं घटा नहीं था कि देखिए वो बोले भाग बदलता है, मेहनत करेंगे। और मुझे आज भी लगा नहीं सीखने का, काम करने का, कभी पीछे हटने का नहीं। पोट्री करते समय हमको इतना आनंद आता है कि लोग गाते बजाते गाना सुनते हैं, मोबाइल में करते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं पसंद आता, हमारी पोट्री की आवाज़ आएंगे उसमें हमारा गाना है। हमारे फीलिंग हो रहा है, बर्नल चल रहा है, अंदर आगो में हम देख रहे हैं, कुछ कभी चिंगारियाँ आ रहा है, अब भट्टी में क्या हो रहा है, तो हमको ऐसे एक अंदाज़ा रहता है, तो उससे हमें हमेशा महसूस होता है, और दिमाग हमारा वैसे ही आता है, ज़रा कहीं खट आ गया, कहीं साँ आएगा तो मुझे लगता है कहीं बर्नल की आवाज़ गैस तो नहीं लीकेज हो रहा है, कहीं खट आया तो अरे बर्नल कोई बर्तन चटक तो नहीं गया, आवाज़ तो नहीं आ गया, तो हमारा उसमें तो गाने की जगह पर हमारा उसमें आनंद है, और हमेशा वो पसंद करते हैं, तब पर दुनियादारी भूल जाते हैं, मैं अपने काम में लगन रहते हैं, तो जीवन किस समय कौन हफ्ते गुजरा, कौन मिनट गुजरा, कौन महीने गया, साल गया, वो मालूम नहीं पड़ता, ये हम पसंद करते हैं। कभी कभी होते नया काम करते हैं तो वो सूखते समय बनते समय ही टूट जाता है, फट जाता है, तो उसमें तो मेहनत गया। कभी और भी ऐसा होता है जिसमें हम भट्टी के अंदर डाले, भट्टी में हमारा कुछ फाइल हो गया, भ्रष्ट हो गया, टूट गया, गल गया, तो लॉस भी हो जाता है,
तो बहुत आत्मा दुख नहीं होता है, मुझे लगता है कि चलो कुछ भी हुआ तो हमको सीखने का मौका मिला है, उसमें हमारा आनंद है। और थोड़ा सा टन दिमाग को लगता है कि झटका लगता है, लेकिन वो वापस चला जाता है, और कुछ नहीं, खुशी फिर आ जाता है। मैं तो रिटायरमेंट नहीं लूँगा जब तक मेरा हाथ पांव चलता है और लोग चाहते हैं मुझे। हमारे काम से उनको बहुत कला प्रेमी है, बहुत पसंद करते हैं हमारा काम को, और उसके लिए मैं पूरा अपना कला को देता रहूँगा, है ना। और मैं यही चाहता हूँ कि यही मेरा खाना, दवाई, एनर्जी इसी से मिलता है कामों से। नहीं तो हम काम नहीं करेंगे तो मैं, हमारा मन अब ज्ञान सदा हुआ नहीं रहेगा। और जब तक मेरा हाथ पांव चलेगा तब तक मैं काम करता रहूँगा, यही हमारा रिटायरमेंट है और यही हमारा अंत है। हाँ, मैं ये नहीं चाहूँगा हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा मतलब आर्थिक चीज़ें कौन लेगा, या तो हम कोई लालच के रूप में हम काम कर रहा है, वो सब नहीं है। मेरा आत्मा बोलता है कि मैं हमेशा लगे रहूं काम में, और उसमें आनंद ही आनंद मिलता रहे, और यही हमारा अंत है।